नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, संभावना ट्रस्ट द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडियन कॉफी हाउस में रखी गई। संभावना ट्रस्ट क्लिनिक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने कहा कि 3 दिसंबर यानी गुरुवार को भोपाल और त्रासदी की वर्षी को 36 साल हो जाएंगे। वहीं गैस हादसे के पीड़ितों में सामान्य से अधिक मोटापे और थायराइड की समस्या पाए जाने के आंकड़े पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि क्लिनिक में पिछले 15 वर्षों से इलाज ले रहा है। 27,155 गैस पीड़ितों और अन्य लोगों के आंकड़ों के विश्लेषण में पाया गया है कि यूनियन का राइट की जहरीली गैसों से पीड़ित लोगों में अधिक वजन का मोटापा होने की संभावना पीड़ित लोगों से 2.75 गुना ज्यादा है। गैस से पीड़ितों के मुकाबले थायराइड संबंधित बीमारियों की दर 1.92 गुना ज्यादा है। साथ ही 1996 में यूनियन कार्बाइड के जहरों से पीड़ितों के मुफ्त इलाज के लिए स्थापित संभावना ट्रस्ट क्लिनिक ने अभी तक 25,348 गैस पीड़ितों और यूनियन कार्बाइड की जहरीली कचरे से प्रदूषित से पीड़ित 7,439 लोगों का इलाज किया है। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर संजय श्रीवास्तव है और मैं संभावना क्लिनिक ट्रस्ट में वहाँ पे चिकित्सक हूँ। हम लोग संभावना में पिछले 15 साल में जो मरीज आए हैं उनमें मुख्यतः गैस पीड़ित हैं और उसके अलावा जो गैस पीड़ित नहीं हैं उनको भी सेवा देते हैं। पिछले 15 सालों में जो रजिस्टर्ड पेशेंट हैं हमारे पास, उनमें हमने एक रिसर्च किया और उसमें पाया कि जो पेशेंट्स हैं उनमें बीएमआई की दर 2.72 के लगभग ज़्यादा है। बीएमआई ओवरवेट, बीएमआई ओवरवेट नापने के लिए हम देखते हैं, यानी वज़न में ज़्यादा वज़न उनका बाकी मरीज़ों के सम उससे 2.72% टाइम्स ज़्यादा है। और उनमें होने वाली हाइपोथायराइडिस बीमारी जो कि उनके ओवरवेट होने के कारण से है उसमें 1.92 टाइम्स ज़्यादा होने की संभावना है और उनमें ज़्यादा है, जिसको कि संभावना क्लिनिक ट्रस्ट लगातार अपने ट्रीटमेंट के माध्यम से एड्रेस करता है। और इससे ये भी हम आकलन लगा सकते हैं कि जो गैस रिसाव हुआ उससे पूरा एंडोक्राइन सिस्टम ही प्रभावित हुआ है और उसका एक बीमारी हाइपोथायराइडिज़ को हमने एनालाइज किया है, जिसमें कि लगभग लगभग 2 गुना ज़्यादा आम जनता से उनमें होने वाली बीमारी की दर पाई गई है। और हम अपने ट्रीटमेंट के माध्यम से वहाँ पे उपचार के माध्यम से जो कि आयुर्वेद, योगा, नेचुरल थेरेपी देते हैं, जिससे कि इस बीमारी में उनकी बीमारी को हम कंट्रोल में रखें। साथ में मॉडर्न मेडिसिन भी उनको दिया जाता है जिससे कि उनको स्वास्थ्य में और बिगाड़ ना हो पाए और उनका स्वास्थ्य सदा रहे। भी रिसर्च किया गया वो उनके द्वारा आज तक ये नहीं बताया गया कि इस जो मिथाइल आइसोसाइनाइड है गैस और उसके जो विघटन के बाद जो और केमिकल्स निकलते हैं उनके क्या साइड। ट्रस्ट क्लिनिक जो है वहाँ पे आपको जैसा ज्ञात है कि वहाँ पे जो गैस ट्रेजेडी हुआ उससे जो मरीज थे उनका वहाँ पे इलाज चलता है, तो वहाँ पे ये चाय लेना, खून की कमी की जांच करना, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की जांच करना, इस तरह की जांचें मस्ती में ही करते हैं। कोरोना महामारी का बता दी नहीं, अभी जब मार्च में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित किया तो हम लोगों को पता चला कि जो गैस पीड़ित आबादी है उस पर इसका ज़्यादा खतरा होने वाला है। इसकी अंदेशे के मद्देनज़र हम लोगों ने संभावना में मीटिंग आयोजित करी कि किस तरीके से काम करना है। उसमें चिंगारी ट्रस्ट क्लिनिक, संभावना के स्टाफ सदस्य और हमारे जो 95 स्वयंसेवक थे उनके बीच में मीटिंग करी और मीटिंग से हम लोगों ने चर्चा किया कि किस तरीके से काम करना है। तो मुख्य 7 बिंदु तय हुए कि लोगों की सुरक्षा के नज़रिए से इन 7 बिंदुओं पर हमें फोकस होकर काम करना है, जिसमें कि जागरूकता फैलाना, COVID-19 की जांच करवाना लोगों की, लोग हाई रिस्क वाले लोग जो हैं COVID-19 से, जैसे कि डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन वाले, थायराइड वाले, 60 साल से उम्र के लोग, उन लोगों के लिए खास सुरक्षा की व्यवस्था करना, लोगों को बराबर इलाज मिलता रहे सरकारी अस्पतालों से और संभावना से उसकी व्यवस्था करना, लोगों में जो डर था इस बीमारी को लेकर वो डर दूर करना,
और बस्तियों में ही किस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना हो सकती है और होम आइसोलेशन सेंटर की स्थापना हो सकती है, इसकी व्यवस्था करना, और जो जिन लोगों को भोजन की परेशानी होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सामुदायिक स्वास्थ्य का काम किया जाता है। अब हम लोग यूनियन कार्बाइड आर्ट फैक्ट्री के आसपास के लगभग 3 किलोमीटर के एरिए में ऐसी जगह जहां पर निम्न आर्थिक, ज़्यादातर लोग निम्न आर्थिक स्थिति वाले रहते हैं, वहां सामुदायिक स्वास्थ्य का काम करते हैं। फिलहाल हम 7 स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और 40,000 की आबादी में, हम कोविड-19 के पहले 40,000 की आबादी में हम लोग काम करते थे। मुख्य रूप से हमारे कामों में रहता है कि बस्तियों में बेहतर स्वास्थ्य स्थापित हो, उसके लिए हम लोग वहीं के लोगों को स्वयंसेवक बनाते हैं। लगभग 95 स्वयंसेवकों के साथ हम लोग 40,000 की आबादी में ये काम कर रहे थे, जिसमें कि लोगों को सामान्य बीमारियों में स्क्रीनिंग करना, दवाई देना, लोगों की सरल जाँचें करना, जैसे ब्लड प्रेशर, ऊंचाई, वजन, खून की कमी की जाँच, और ख़ासतौर पर जड़ी बूटियों का इलाज करना, लोगों को जड़ी बूटी के बगीचे लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। फिलहाल हमारे बस्ती में 5 सार्वजनिक जड़ी बूटियों के बगीचे हैं, जहाँ से कि हर दिन लगभग 30 लोग जड़ी बूटियों से इलाज लेते हैं। और टीबी मलेरिया नियंत्रण का काम भी हम लोग फोकस होके करते हैं। जब हमने 2009 में मलेरिया का काम शुरू किया था, उस समय तकरीबन 24% पॉजिटिव केसेस थे मलेरिया के, लेकिन अभी फ़िलहाल उस वो प्रतिशत 0 पर आ गए हैं। और डेंगू नियंत्रण के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं, तो पिछले साल कोई एक भी डेंगू का केस हमारी बस्तियों में नहीं था। समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.